ऐसा नया बात भी हम लोग नहीं करने जा रहा, जैसे चल रहा है जहाँ कहाँ पर कमी है उसको मजबूत करेंगे। महागठबंधन से फायदा हुआ आप लोग? ये भी फायदा, महागठबंधन अपना जगह है, ये भी है आगे भी रहेगा। कार्यकर्ता के भावना के अनुरूप और जो सदन की जो संपूर्ण भावना है उसमें एक रूपता होगी, और उसके बाद जो भी निर्णय हम लोग लेंगे वो बहुत पुख्ता निर्णय होंगे, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि आज के इस बैठक को केवल 3.25 करोड़ जनता ही नहीं देख रही है, वरन बहुत सारे राजनीतिक पंडित भी देख रहे हैं। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग इस राज्यवासियों को एक नए और सशक्त विकल्प के लिए खुद को पेश कर पाएंगे। विधायकगणों ने 2 तारीख को अपनी राय दे दी थी, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने 3 तारीख को अपनी राय दे दी थी, और उससे भी बड़ी ये समिति है सेंट्रल कमेटी, उसमें भी सदस्यगण एक एक सीट वार अपना अपना बातों को रख रहे हैं। हमको लगता है कि सारे बातें तय होकर एक ही जो आवाज़ होगा उस आवाज़ को हम लोग शाम तक आपको शेयर करेंगे। अभी तक का जो हेमंत जी की तरफ से भी जो बात आई है बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोकसभा के दौरान बड़े भाई के रूप में कांग्रेस ने अपना रोल निभाया था, और अभी विधानसभा के चुनाव में जेएमएम बड़े भाई का रोल करते हुए ज़्यादा सीटों पर लड़ते हुए आगे चुनाव लड़ेगी, ये हेमंत जी ने अपनी तरफ से कह चुके हैं। तमाम जितने पार्टियां रही हमारे महागठबंधन के अंदर में सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा, और तालमेल बना करके बहुत अच्छे तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसका हमें रिजल्ट भी मिला। की बात करें तो उसके लिए लोगों ने जो भी मन बनाया उसका हम सम्मान करते हैं, और विधानसभा के लिए यहाँ की जनता की जो राय आ रही है कि हेमंत जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए।